अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हूं मोसर रज़ा मुस्तफ़ी डियर स्टूडेंट्स आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे आप अपनी किताब का दूसरा सफ़ा निकालें तो वहां पर आपको ये ब्रांचेस दिखाई देंगी इन ब्रांचेस में जो सबसे पहली ब्रांच है डेट इज़ मोलेक्क्यूलर बायोलॉजी तो आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं मोलेक्लर बायोलॉजी से इसकी डेफिनेशन बताने से कबल आपको बताता चलूं कि दिस वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें से एमसीक्यू मुल्तान बोर्ड में आ चुका है और फेडरल बोर्ड में ये बतौर शार्ट क्वेश्चन भी आ चुकी है तो हम आगाज़ करते हैं मोलेक्लर बायोलॉजी से मोलेक्लर बायोलॉजी दो लफ्जों का मजमू है मोलेक्लर एंड बायोलॉजी बायोलॉजी की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं इट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अब साथ लफ्ज़ आ चुका है मोलेक्लर तो अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है सो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं मिसाल के तौर पे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा हूँ मैं देखता हूँ इसकी सूरत क्या है इसका कद काट की मर्फोलोजी किस तरह का है तो ये हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा नीचे आऊँ अगर मैं देखूँ कि इसका दिमाग किस तरह का है इसके लंग्स फंक्शनल हैं कि नहीं है इसका हार्ट किस तरह काम कर रहा है किडनीज किस तरह काम कर रहे हैं तो ये मैं इसको आर्गन लेवल पर स्टडी कर रहा हूँ इसी तरीके से इसको टिश्यू लेवल पर स्टडी किया जा सकता है सेलुलर लेवल पर स्टडी किया जा सकता है और गनैली लेवल पर स्टडी किया जा सकता है अगर मैं इसको स्टडी करूँ कि इसके सेल्स की मेमरेन में कौन कौन से मोलक्यूल्स हैं इसमें लिपिड्स है, इस कितने हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं प्रोटीन किस किस तरह की है तो ये मैं स्टडी कर रहा हूँ मोलेक्र लेवल पर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस मोलेक्र लेवल पर स्टडी करना ये जिस ब्रांच में किया जाता है उसे मोलेक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनी दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स देअर ऑर्गोनालीज एट मोलेक्यूलर लेवल सो ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से जेनशी कर लें कि मोलेकुलर लेवल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना मोलेक्युलर बायोलॉजी कहलाता है अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं दूसरी डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इसके साथ फिर लफ्स बायोलॉजी लग गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना अब साथ लफ्स क्या लगा एनवायरमेंटल सो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे मगर किसके रिलेशन के साथ इन रिलेशन विद द एनवायरमेंट सो इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन विद द एनवायरमेंट इन्वायरमेंट दो तरह का होता है ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक सो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन विद द ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक एनवायरमेंट सो रिलेशन किस तरह का है कि उसका अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरह का इंटरक्शन है वो अपने एनवायरनमेंट को किस तरह अफेक्ट कर रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट पे किस तरह असर अंदाज़ हो रहा है इस स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं नंबर थ्री माइक्रो बायोलॉजी फिर बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म मगर अब की बार साथ लफ्स लगा है माइक्रो एम आई सी आर ओ तो इसका मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो हैं यानी इट इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटे उनको कहा जाता है जो नेकेड आई से नजर नहीं आते उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एलर्जी एंड फंजाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजी की जिस ब्रांच में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है उसे माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी डिफरेंट बोर्ड में आ चुकी है इसको अच्छे तरीके से जे नशी करने नेक्स्ट ब्रांच फ्रेश वाटर बायोलॉजी फ्रेश वाटर बायोलॉजी बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म अब सात लफ्स आ चुका है फ्रेश वाटर सो इट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज फ्रेश वाटर बॉडीज किसे कहते हैं बेटे ब्रॉड लेवल पर वाटर की दो कैटेगरीज हैं फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर वो पानी जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम है ना होने के बराबर है जैसे कि रिवर्स लेक्स स्ट्रीम्स वगैरह में उनको फ्रेश वाटर बॉडीज कहा जाता है दरिया नदी नाले झीलें ये सारे के सारे फ्रेश वाटर बॉडीज हैं जबकि समंदर वो मरीन वाटर बॉडी है तो पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज So, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज में रह रहे हैं उनको स्टडी करना फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं उनके साथ साथ हम उस फ्रेश वाटर बॉडीज की फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं उसके साथ अगली डेफिनेशन है मैरीन बायोलॉजी मैरीन बायोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस मैं पहले बता चुका हूं मैरीन वाटर समंदरों को कहते हैं समुद्रों के पानी को मैरीन वाटर कहा जाता है समंदरों के अंदर की जो जिंदगी है उसको स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाता है तो उसके साथ साथ हम उस मैरीन वाटर बॉडी यानी ओशंस और सीज के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करेंगे अगली ब्रांच पैरासाइटोलॉजी इट स्टडी ऑफ पैरासाइट पैरासाइट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है उससे खुराक और शेल्टर ले रहा है मगर बदले में उसे कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहा है उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहा है उसको होस्ट कहते हैं तो इस ब्रांच में हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं पैरासाइट को किस तरह स्टडी करते हैं सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उस पैरासाइट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं यानी वो किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होता है नंबर थ्री हम उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और नंबर फोर कि उसका अपने होस्ट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है तो इन चार चीजों को हम पैरासिटोलॉजी में स्टडी करते हैं उसके बाद, बाद अगली डेफिनेशन ह्यूमन बायोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ मैन इसमें हम इंसानों को स्टडी करते हैं इंसानों से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स जितने पहलू हैं उनको इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है मिसाल के तौर पर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर फंक्शन हिस्टोलॉजी एनाटॉमी मफॉलोजी फिजियोलॉजी एवोल्यूशन जिनेटिक्स सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज एक्सट्रा यानी ह्यूमन बींग्स की ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन सब को ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है अगली ब्रांच है सोशल बायोलॉजी आपने ल सोशल मीडिया का नाम सुना होगा ये ब्रांच भी इंसानों से रिलेटेड है क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स में होती हैं सो इट इज स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की जो कम्यूनल लाइफ है हम कम्यूनिटी में रहती हैं हर तरह का कम्यूनल बिहेवियर होता है सोशल बिहेवियर होता है उसके सामाजिक रवाबत होते हैं उनको स्टडी करना सोशल बायोलॉजी कहलाता है और आखिरी डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी सो इट इज स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिस्टम्स आर प्रोसेस इन मैन्यूफेक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज कि आप लिविंग उनके systems, उनके सिस्टम्स ऑर्गेनिजम को डिफरेंट मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सिस्टम्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ इंसोलिन डायबिटीज के मरीजों को हम इंसोलिन के इंजेक्शन लगाते हैं वो इंसोलिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई जाती है उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है इंसुलिन का जीन उनमें इंजर्ट किया जाता है और वो उस जीन को ट्रांसलेट करके ये प्रोटीन यानी इंसुलिन बनाते हैं तो इस ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ मैनू करते हैं सो दीज आर ब्रांचिज ऑफ बायोलॉजी बेटे ये ब्रांचेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसमें एम भी आते हैं इसमें शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैरीन वाटर बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसके अलावा ह्यूमन बायोलॉजी सोशल बायोलॉजी इसकी डेफिनेशन आती है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बारहा मरतबा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुकी है पैरासिटोलॉजी की डेफिनेशन आ चुकी है तो इन ब्रांचेस को अच्छे तरीके से नशीन रखें और आगे हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह ताला